आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। आज पूरा देश होली मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ मीरा भाईंदर में राजस्थानी होली महोत्सव 2023 का यहां पे आयोजन किया गया, जहां पे हजारों की तादाद में लोग यहां पे आए और इस कार्यक्रम का आनंद लिए। इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम भी था और इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सतीश पुनिया और मीरा भाईंदर के भाजपा के कई नेता इस कार्यक्रम में आए। चलिए बात करते हैं यहाँ के आयोजकों से। राजस्थान ऐसी धरती है जहाँ जीवन को उत्सव की तरह मनाया जाता है, उसी तरह जीते हैं लोग और अपनी बौद्धिक क्षमता से, परिश्रम से, ईमानदारी से देश और दुनिया में अपनी कर्मशीलता के कारण पहचान रखते हैं। महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति में राजस्थान वासियों का बड़ा योगदान है। मैं देख रहा हूँ किस तरीके से राजस्थान को महाराष्ट्र की धरती पर जीते यहाँ के लोग उसी उत्साह उमंग के साथ होली के पर्व को जीते हैं, तो मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ और आनंदित भी हूँ कि मेरे प्रवासी राजस्थानी भाई राजस्थान में अपनी कर्म जन्मभूमि पे और यहाँ अपनी कर्मभूमि पर बराबर योगदान देते हैं। छत्तीस कॉम को एटलीस्ट 2 टिकट तो मिलना चाहिए, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, देश में दुनिया में शक्ति की पूजा होती है। राजस्थानियों का एक बड़ा तबका है जो राजनीतिक रूप से मुखर हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में राजस्थान के लोगों का अच्छा है। यहाँ पर हर साल हम परंपरा ये राजस्थानी होली का यहाँ प्रोग्राम करते हैं और हर साल करते हैं और ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ते हैं और गेर का नृत्य रखते हैं और बाद में हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करते हैं। किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं बोला है, सतीश कौम बोला है। सतीश कौम के लिए जो टिकट मांगा है और मांग के है और हम लेंगे। राजस्थान भाइयों के लिए कहूँगा कि ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए 2 टिकट की मांग की है और ये हमारी मांग पूरी का जो राजस्थानी कार्यक्रम है होली का, हर साल बहुत सुंदर तरीके से होता है और सभी राजस्थानियों को गर्व होता है इस प्रोग्राम में आने के और बड़े बड़े लोग यहाँ शिरकत करते हैं, ये उनकी सफलता का राज है। और इसके चलते आज सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और सभी के जीवन में होली के रंगों की खुशियाँ ले रहा है, ये दिल से कामना करती हूँ। होली माँ सम्मेलन में जो कि हमारे जालौर सिरोही के सभी प्रवासी भाइयों के लिए यहाँ पे आयोजित किया गया और अपने आप के अंदर हमारे इस संस्था के जो अध्यक्ष है पुरोहित जी और रतन सिंह जी दूरा, इन दोनों ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया। इनकी पूरी टीम ने हमारे समस्त राजस्थानी समाज को यहाँ पे एक किया और विशेष रूप से इस उत्सव के अंदर हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री पुनिया जी आए थे, साथ में हमारे लोढ़ा जी जो कि पर्यटन मंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, वो भी आए थे। कई सारे स्थानीय नेता सभी यहाँ पे उपस्थित थे। हमारे निरंजन मौर्य जी, सुरेश पुरोहित जी, इनकी पूरी टीम ने करीबन पिछले 15-20 दिनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उत्साह देखने को मिला राजस्थानी भाइयों के अंदर, अपने आप के अंदर। हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम था, हमारे यहाँ पे राजस्थान के लोक संगीत गीत यहाँ पे प्रमुख कलाकारों ने यहाँ पे उपस्थित किए। बड़ा ही शानदार वातावरण है, उत्साह का वातावरण है। मैं समस्त शहरवासियों को, समस्त राजस्थान के हमारे भाइयों और बहनों को मैं बोले का नाम है और ये कार्यक्रम कि हम पिछले 20 साल से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और जब हम कार्यक्रम करते हैं तो जनता अपने आप आ जाती है, वो कार्यक्रम देखने नहीं आती है। हमारे समाज का एक आपस में प्रेम इतना है कि कार्यक्रम में ना कोई प्रचार करने की ज़रूरत होती है ना कुछ करने की होती है, केवल और केवल मैसेज समाचार पहुंच जाएगा, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि आपके एक मैसेज से यहाँ पे हजारों लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान के लोग बिलोंग करते हैं, जो लोग वोट देते हैं, जो लोक प्रतिनिधि को जिताते हैं, जब इनकी बारी आती है टिकट लेने के लिए तो उन्हें दरकिनार किया जाता है। ऐसे कई हैं, ऐसे कई लोग समाज सेवक हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आज इस मंच से ये भी कहा गया है कि एटलीस्ट 2 लोगों को तो टिकट दो, हमारे 36 कौम के लोगों को टिकट भी 100% मिलेगा। टिकट मिलेगा तो ठीक है और टिकट नहीं मिलेगा तो ठीक है, समाज इनके साथ ही और साथ ही रहेगा। किनके साथ में है वो आप समझ जाओ, इस ज़्यादा हम नहीं खोलेंगे इस बात को। फिर भी जिस प्रकार से आए उससे पता लग जाएगा आपको यहाँ कौन कौन आया है। हमारे समाज के सहयोग से आज 15 से 20 MLA हैं जिनको डायरेक्ट हमारे इस कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे। हमारे आशीष जी हमारे थे, ताई भी थी, बेहता जी भी थे और हम मुंडे जी और गडकरी जी के समय से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इसलिए ये कार्यक्रम ये संस्था ये समाज टिकट का मोहताज नहीं है, यहाँ पर मांगते हैं वो मिल जाता है और आप देखना इस बार 36 कौम को 2 टिकट मिलेंगे आपको। क्या कहेंगे अपने राजस्थान से जो यहाँ बिलोंग करके जो यहाँ पर रहते हैं अपने देशवासियों को? हमारे समाज के लोग बहुत जुड़े हुए हैं,
अपनी कर्म भूमि पर भी काम करते हैं और अपनी जन्मभूमि पर भी काम करते हैं, यही उनकी खूबी होती है। और हम आज भी संदेश देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि वो पहले कर्म भूमि पर काम करते हैं, साथ का साथ जन्मभूमि पर काम करते हैं। मैं आपको एक बात एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप स्मारक गौरव सिंह निधि के लिए महाराणा प्रताप की उनकी शौर्य गाथा को हमारे पुत्र हमारी पीढ़ियां ना भूले, इसके लिए एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल बनाया है उदयपुर के अंदर। हमने 2.5 करोड़ रुपया 2.5 घंटे में इकट्ठा किया था और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 2.5 करोड़ रुपया और इकट्ठा करने का निर्णय किया है। हम केवल कार्यक्रम नहीं करते, साथ का साथ समाज सेवा का भी काम नियमित करते हैं और उसी के कारण लोग इससे जुड़े। होली के उत्सव हर साल मनाया जाता है और जिस तरीके राजस्थानियों के अंदर एक इस भाव को प्रेम भाव से हर तरीके से हर व्यक्ति से जोड़ने, ये कोई राजस्थानियों का भी नहीं दूसरे लोगों को भी हम सम्मान देते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति आवे यहाँ पर उनको सम्मान से हम लोग करते हैं उनका सम्मान। रही बात ये कार्यक्रम एक जोड़ने का कार्यक्रम है हर समाज को और जिस तरह से काम हो रहा है आज भाई साहब गोविंद जी भाई साहब ने काफ़ी समय से इस कार्यक्रम को चला रहा है उससे लोग जुड़ रहा है काम भी जाओ। रही बात आपने कहा कि इलेक्शन का इस कार्यक्रम की ताकत के हिसाब से लोग अपना पहचान लेते हैं क्योंकि पार्टियों को सबको मालूम कि इस कार्यक्रम की और लोगों की क्या शक्ति है, इसलिए इस पे ज़्यादा किस पार्टी क्या देगी वो उस विषय पर। छत्तीसगढ़ द्वारा होली महासम्मेलन मेरे ख्याल से मीरा भाईंदर शहर का सबसे बड़ा आयोजन होता है और इस आयोजन की तैयारियाँ हमारी टीम पिछले 1 महीने से निरंतर कर रही है और आज इतनी बड़ी संख्या में जो राजस्थानी भाइयों ने आकर आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम उन सभी के आभारी हैं। हमारे मुख्य अतिथि श्री सतीश जी पूनिया साहब, मंगल प्रभात जी लोढ़ा साहब, हमारे माननीय विधायिका श्रीमती गीता जैन मैडम, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष सबके लाडले जिनका हमेशा राजस्थानी समाज पर भरपूर स्नेह रहता है, ऐसे धर्म रक्षक गौ माता के परम भक्त श्री रवि भाई व्यास जी, इन्होंने आकर हमें आशीर्वाद और जो मान सम्मान दिया हम इन सबके आभारी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका स्नेह हमारे ऊपर बना रहे और ये बहुत ऊंचाई पर जाएं और हम उनको देखें। बहुत अच्छा कार्यक्रम राजस्थानी होली महासम्मेलन हुआ और जागरूक टाइम्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और पूरे मीरा भाईंदर शहर के जो पूरे 56 कौम के राजस्थानी समाज के लोग आज होली महोत्सव में इकट्ठे हुए, दूर दूर से बड़े बड़े लोग भी आए और बड़ा ही आनंद का वातावरण रहा और मेरी भी होली की सभी को शुभकामनाएं है। मीरा भाईंदर शहर मिनी राजस्थान कहा जाता है, सबसे बड़ी तादाद राजस्थान के समाज का है और हम सभी उनका दिल से स्वागत। भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है वो बनाई रहे और ये गैर नृत्य का जो कार्यक्रम रखा करीब करीब 2 घंटे और लोग पब्लिक ने जो समझो के पूरा माहौल का जलवा उठाया और ये चेतना है, एक आह्वान है कि हिंदू संगठित बने रहे और सभी समाज छत्तीसगोम न कि यहाँ भाईंदर की पूरी छत्तीसगोम यहाँ पर भारत की परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज अगर हम देखा जाए तो हमारा देश त्यौहारों की धरती है और हमारे धर्म में हमारी संस्कृति में हर दिन नए त्यौहार होते हैं हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। उस तरीके से आज का जो आयोजन है बहुत भव्य है। जो राजस्थान छोड़कर हमारे बंधु आए यहाँ पर रहते हैं उनको राजस्थान का एहसास कराने का ये कार्यक्रम और खास करके सूरज जी ने अपना वक्त दिया है और प्रोग्राम को काफ़ी अच्छा बनाया है और प्रोग्राम की 36 कौम को बहुत खुशी हुई है और इनका काफ़ी योगदान रहा है 36 कौम के लिए, वक्त भी दिया है और देने वालों ने अपना सहयोग भी दिया है। सभी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। धन्यवाद।